ये जो विजिट इस वक्त की गई थी, ये कोरोना कर्फ्यू जो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की गई हैं उनको रिव्यू करने के लिए था ग्राउंड लेवल पे। और डीएसपी हेडक्वार्टर और एडीएम साहब हमारे साथ हैं, जॉइंटली इसको हमने देखा। जो बंदोबस्त पुलिस की तरफ से किए गए हैं एनफोर्स करने के लिए वो तसल्ली बख्श हैं, और जो लोगों ने कोऑपरेशन किया है, लोगों ने जो तावन दिया है इस वक्त तक, वो काबिल तारीफ है। मेरी सब पब्लिक से यही अपील है कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं ये सेफ्टी के लिए लगाई गई हैं, ये कोई लॉ एंड ऑर्डर का कर्फ्यू नहीं है, ये आपके सेफ्टी के लिए, आपके तंदुरुस्ती के लिए रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की गई हैं, ताकि सब लोगों के साथ एक जैसा ही बिहेवियर जो है वो किया जाए, ट्रीटमेंट किया जाए। इसमें जिसको काम है वही आए मार्केट में दवाई लेने या अपना सामान लेने, बाकी सब लोग अपने घर में ही रहें। एक हफ्ते के लिए ये रिस्ट्रिक्शन की गई हैं। और दूसरा, जो भी सोशल गैदरिंग्स हैं, चाहे किसी की शादी है या कोई मातमदारी है या और है, वहाँ भी 25 से ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हों और सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पूरा पालन करें। इसके अलावा मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, और जो भी इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं, जो पुलिस रोज़ अनाउंस करती है 3 बार दिन में, उनका पालन करें। मेरी यही रिक्वेस्ट है। सर, जोरी में किस तरह के नए इनिशिएटिव जो हैं लिए गए हैं केसेस को कम करने के लिए? अभी देखें, अभी जोरी में बहुत मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटजी ली गई है। एक तो लोगों का कोऑपरेशन के लोग जो हैं सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, बाकी कुछ जो गवर्नमेंटल वर्क्स हैं ये भी इंश्योर किया गया है कि वो ना रुकें, और जो गरीब लोग हैं वो अपनी दिहाड़ी कमाएं, उनको भी फेज्ड मैनर में, स्टैगर्ड मैनर में और सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनज़र रखते हुए उनको भी अलाउ किया गया है। जहाँ भी कंजेशन है, जहाँ कंजेस्टेड मार्केट्स हैं, वो टोटली क्लोज हैं, मतलब कर्फ्यू गाँव में भी है और अर्बन एरिया में भी है। आपका ऑक्सीजन का प्लांट गवर्नमेंट की कोशिश से, ऑनरेबल एलजी साहब की कोशिश से वो लग गया है, और दो DPR हमने दो जगह के लिए और तैयार करके गवर्नमेंट को भेज दिए हैं। जहाँ आपका मेडिकल कॉलेज है, जो फुल फ्लैज यहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगना था, ये तो एक इमरजेंसी में लगाया गया है, गवर्नमेंट ने इसको बड़े फौरन लगाया, उसकी तैयारी के लिए भी कल इंस्ट्रक्शंस मैंने दिए हैं। होपफुली कल तक हम उसका टेंडर कर देंगे और कुछ दिनों के अंदर उसका काम जो है शुरू हो जाएगा। सर, बहुत से पॉजिटिव केसेस हैं, पॉजिटिव व्यक्ति हैं जिनको ऑक्सीमीटर नहीं प्रोवाइड हो रहा है, उसमें किस तरह की दिक्कत आ रही है? ऑक्सीमीटर्स के लिए आपने जो बोला, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑक्सीमीटर्स जो हैं वो पहले फेज़ में भी बांटे हैं, कुछ लोगों से हम रिकवर कर रहे हैं एमरजेंसी में, क्योंकि ऑक्सीमीटर्स की थोड़ी शॉर्टेज मार्केट में आप देखते हैं अवेलेबल नहीं है। जो भी गवर्नमेंट की सप्लाई है उसको हम रेगुलेटेड तरीके से लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कुछ ट्रायज सेंटर बनाए गए हैं, ऑक्सिलरी हॉस्टल्स क्रिएट किए गए हैं हॉस्टल के अलावा, ताकि लोग जो लेस क्रिटिकल हैं वो वहाँ एडमिशन करें, और वहाँ पे डॉक्टर्स 24 आवर्स हमने तैनात किए हैं। मैं मशहूर हूँ यहाँ की NGOs का, यहाँ की कुछ जो सभा है उन्होंने वहाँ पे लंगर लगाने के लिए जो है पहल की है, कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रहकर शाना बेशाना जो भी सर्विसेज के लिए, मुझे ऑनरेबल MP साहब का भी फ़ोन आया था, मुझे और जो यहाँ के मौजूद शहरी हैं उनका फ़ोन आया था कि हमारे लायक पब्लिक की तरफ से जो भी मदद एडमिनिस्ट्रेशन को होगी हम तैयार हैं, और वॉलंटियर्स खास करके लोग जो है तैयार हैं कि जहाँ भी सर्विस है हम देंगे और कोविड को कंट्रोल करने में मदद करेंगे। सर, जिस तरह से डेथ रेट रेज हो रहा है और लोग काफ़ी डरे सहमे से हैं, तो आपकी तरफ से? आपने बहुत इंपॉर्टेंट बोला, डेथ रेट जो भी इस वक्त तक डेथ हुई हैं, जनरली वो देखा गया कि जो लेट आए हैं और जो कोमॉर्बिड हैं, उसका मतलब ये हुआ कि जिनको पहले बीमारियां हैं और जो ज़्यादा एज्ड लोग हैं, इसलिए कोई भी सेल्फ मेडिकेशन, अपने इलाज अपना ही खुद घर में ना करें। जिसको भी पॉजिटिव आता है या थोड़े सिम्टम आते हैं, वो जल्द अज जल्द कंट्रोल रूम की मदद से BMO साहिबान तक पहुँचें, हम तक पहुँचें, और हम उनको पूरा इलाज करने के लिए पूरी कोशिश करें। सब कुछ जोला साहब जो दवाइयों वाले हैं वो क्या कर रहे हैं कि लोगों का ऐसे ही इलाज कर रहे हैं, अपनी मेडिसिन सुने दे रहे हैं, अगर इस तरह का कोई पाया जाता है किस तरह? अगर आपने अगर ऐसा लाया है मेरी नोटिस में, इस वक्त आपने बोला अगर ऐसा है, तो मेरे जितने भी कंट्रोल रूम, वो हमने पंचायत लेवल पर कंट्रोल रूम बनाए हैं, ब्लॉक लेवल पर बनाए हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाए हैं,
एसएचओ साहिबान हर एरिया में चौकी अफसर साहिबान जो हैं वो लोगों को सैनिटाइज करते हैं, रोज अवेयर करते हैं, अवेकन करते हैं। आप फौरन उनके नोटिस में लाओ, हम कार्रवाई करेंगे।